हाय सेजिटेरियस, धनु राशि, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। 15 सितंबर से 23 सितंबर आप सभी के लिए कैसा रहेगा हम सब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए सेजिटेरियस धनु राशि, ये 15 सितंबर से 23 सितंबर कैसे रहने वाले हैं। नो ओके जस्टिस एंड डेविल, ओके माय डियर सेजिटेरियस, ये जो 15 दिन है ना, आप लोगों को अपने कर्मों पर बहुत फोकस करना है। माय डियर, डबल की एनर्जीज है बॉटम ऑफ द डेक, एंड जस्टिस की भी एनर्जीज है जो कि ये रिवर्स्ड में ही आया था। तो आपको डिवाइन यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आप पहले तो अपने अंदर बैलेंस लेकर आइए, अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आइए और न्यायप्रिय बनिए, ठीक है। हम्बल होने की कोशिश कीजिए अपनी लाइफ में, ठीक है, और चीज़ों को एक जिसे कहते हैं कि बिल्कुल सही तरीके से लेना शुरू कीजिए। अगर कोई भी आप कोई गलत रास्ता अपना रहे हैं अपनी लाइफ में, तो ये 15 दिन आपके लिए बहुत स्पेसिफिक रहने वाले हैं। आपके लिए यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है कि प्लीज़ अगर आप किसी भी तरह के शॉर्टकट को अपनाने जा रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके के आप गलत राह को अगर अपना रहे हैं, जो कि आपको भी पता ही है कि इंट्यूटिवली कि यस ये पाथ मेरे लिए सही नहीं है, या ये रास्ता ये या फिर ये जो तरीका मैं अपनाने जा रहा हूँ या जा रही हूँ अपनी लाइफ में, वो सही नहीं है, तो डिवाइन आपको यहाँ पर वही अलर्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ उस पर कंसिडर करें, ठीक है। अपनी उस इनर वॉइस को इग्नोर ना करें माय डियर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो न्याय का एनर्जीज है ना, तो वो पे ऑफ होगा आपको उसी वक्त, ओके। ये मैं सिर्फ नेगेटिव वे में नहीं बोलूँगी, ये इन द पॉजिटिव वे। अगर आप सही रास्ता अपनाते हो अपनी लाइफ में, सही तरीके से बैलेंस्ड होकर के अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो, तो आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप किसी गलत रास्ते को अपनाते हो जानबूझ करके भी, ठीक है, तो फिर आपको उसका पे ऑफ देना होगा, ठीक है। यस, तो अपने अंदर के जो भी डेविल है ना, उसको अपने आप को कंट्रोल मत करने दीजिएगा इन 15 दिनों में। डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि आपको उसको अपने आप को कंट्रोल नहीं करने देना है, नेगेटिविटी को, ठीक है। जितना हो सके पॉजिटिव चीज़ों की तरफ फोकस कीजिए, सही रास्ते को अपनाएं अपनी लाइफ में, ठीक है। यस, अगर आपके पास कहीं चॉइसेस भी आते हैं, ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है यहाँ पर सच का साथ देना है, सच का साथ देना, ट्रुथ के साथ आगे बढ़ना, सच्चाई को सपोर्ट करना, ये 15 दिन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू बाबा, प्लीज़ बताएं। द गार्डन एंड द गेट, यस, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ अलग हट करके अपने लाइफ में, खास कर ये 15 दिन आपके लिए स्पेसिफिक है, 15 दिनों में आप करना चाह रहे हो। सोच तो आप बहुत रहे हो कि लेकिन आप अपने माइंड से ना अपने आप को लिमिट कर रहे हो। मैं किसी सिचुएशन को नहीं बोलूँगी, ये स्पेसिफिकली आपका माइंड है, ठीक है। आपको ऐसा लग सकता है कि सिचुएशन मेरे आसपास ऐसी है कि मैं अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहा, या आगे नहीं बढ़ पा रहा, या जो भी आप अपनी लाइफ में बेसिकली चाहते हो आप उसको पकड़ नहीं पा रहे हो, वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला पा रहे हो, वो चेंज नहीं ला पा रहे हो। लेकिन ये जो भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, ये आपके खुद के माइंडसेट की बेसिस पर हैं, ठीक है। अगर आप अपने मन को दृढ़ कर लें, अगर आप चाहें, ठीक है, तो आप उस चेंज को अपनी लाइफ में लेकर के आ सकते हो। ये कुछ अलग है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो मे बी आपके आसपास के लोग आपको करने नहीं दे रहे, या फिर आप डर रहे हैं उस चीज़ को करने से,
कि आपके अंदर डाउट्स आ रहे हैं कि क्या मैं ये कर पाऊँगा, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा, तो कुछ ऐसी एनर्जीज भी है। देखिए डिसीट की एनर्जीज बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर। सैजिटेरियस, ये वक्त अपने साथ ट्रुथफुल होने का है, ये अपने साथ छल करने का वक्त नहीं है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपको गाइडेंस ऑलरेडी प्रोवाइड की जा रही है, डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, इंट्यूटिवली आप जानते हो, आपकी इंट्यूशंस आपको बोल रही हैं कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जानबूझ करके अगर आप गलत रास्ते को अपनाएंगे तो आप स्टक हो सकते हैं। ओके तो ये आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। थैंक यू भोले बाबा। लव लाइफ कैसी रहेगी सेजिटेरियस की? ओके, टेन ऑफ कप्स, करियर कैसा रहेगा? टेन ऑफ सोर्ड्स, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल, ये एडिशनल मैसेज है आपके लिए, हम साइड में रख लेते हैं। हेल्थ कैसी रहेगी? फोर ऑफ कप्स एंड स्पिरिचुअलिटी, फोर ऑफ सोर्ड्स। माय डियर, आपकी रीडिंग में ना मेरा थ्रोट जो है वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ट्रूथफुल रहिए, क्योंकि अक्सर जो आई नो, ये पहले तो आप लोग में से बहुत कम लोग इस चीज़ को रिसीव ही करोगे, ठीक है, क्योंकि अक्सर हम अपनी शेडोज़ को ना एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, राइट? तो यस, मैं आपको यही बता रही थी कि अक्सर थ्रोट चक्रा ना आपका ब्लॉक्ड होता ही तभी है, प्रॉब्लम तभी क्रिएट करता है जब आप ट्रुथ का साथ नहीं दे रहे होते, या फिर आप अपनी लाइफ में कुछ गलत कर रहे होते हैं, या फिर आप अपने साथ जिसे कहते हैं कि ट्रू नहीं जा रहे होते हैं, ठीक है। आपको पता है आपको करना क्या है, आपके लिए सही क्या है, आपको क्या अपनी लाइफ में डिसीजंस लेने हैं, क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या एक्शंस बेसिकली आपको लेने की ज़रूरत है, किस तरफ आपको बढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है कि वो फियर्स या फिर किसी तरह की एडिक्शन, किसी तरह की लालच, नेगेटिविटी या शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में, ठीक है, हम लोग उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो वो आपको नहीं करना है, ठीक है, सच का साथ देना है, चाहे वो अपने लिए हो चाहे वो किसी के लिए भी हो। ये 15 दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक हैं। ओके, देखिए लव लाइफ़ की अगर बात की जाए, रिश्तों की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर आपके लव लाइफ, आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहने वाले हैं। टेन ऑफ कप्स की एनर्जीज है, यहाँ पर मुझे कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी ना सेजिटेरियस, आपके आसपास जो आपके अपने हैं, ओके, जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स उनमें तो नहीं होगी, ठीक है, वो आपको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको खुश रखने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। ये जो 15 दिन रहेंगे ना, आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाले हैं। आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट, आपके आसपास जो लोग हैं, आपके इवन कॉलीग्स जो हैं, उनका सपोर्ट आपको पूरी तरीके से मिलेगा। लेकिन हाँ, थोड़ी दिक्कत आपके अंदर यहाँ पर आ सकती है, आप बेवजह या बिना बात के छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो सकते हो, तो या फिर आप मनमुटाव, कहने का मतलब मनमुटाव इन द सेंस कि आपके परिवार जिनसे आप डील कर रहे हो, आपके पार्टनर, आपकी फैमिली, उनसे आपका मनमुटाव आपकी तरफ से हो सकता है, उनकी तरफ से नहीं। फिर भी मुझे वहाँ से ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी ऐसी एनर्जीज में आते हो, छोटी छोटी बात अगर आप पकड़ के अगर आप रूठ भी जाते हो, तो वो आपको मनाने आएंगे। तो कहने का मतलब थोड़े चेंजेस आपको अपने अंदर यहाँ पर लाने की ज़रूरत है। बैकग्राउंड आपका बहुत अच्छा रहेगा, बैकग्राउंड इन द सेंस आपकी सिचुएशन, आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स में बहुत अच्छी रहने वाली है। बस आपको सही रह करके चलना है, ये बेस थोड़ा ना आपका उसी चीज़ का है कि ट्रुथफुल आपको रहना है, सही से आपको रहना है, आपकी सिचुएशंस, सिचुएशन तो सही है, राइट? अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके करियर की। तो टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, टेन ऑफ सोर्ड्स मुझे बता रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर आपके
करियर में कुछ फिनिश हो रहा है, किसी चीज़ का अंत हो रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये बेसिकली कोई एक ऐसी सिचुएशन, देखिए कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर उनकी जॉब हो सकती है, उनका करियर वाइज, ठीक है, या फिर करियर में कुछ चेंज लाना, दैट इज़ वाई यहाँ पे गार्डन इन द गेट है, ये आपकी खुद की ऊर्जा है माय डियर, ठीक है। तो बेसिकली आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं, कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ पर एक नई शुरुआत भी है आपके लिए, ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तो आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि अपने अंदर उस स्ट्रेंथ को लेकर के आओ, अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को लेकर के आओ कि यस मैं ये कर सकता हूँ। अगर पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे तो आपको बहुत जिसे कहते हैं कि बरकत मिलेगी, ठीक है, आपके लिए वो जो डोर्स हैं वो ओपन हो रहे हैं। बस आपको नेगेटिव माइंडसेट नहीं रखना है। और कुछ लोगों की लाइफ में, कुछ लोग आप अपनी तरफ से ये जॉब छोड़ सकते हो या फिर करियर चेंज कर सकते हो, करियर चेंज मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको मतलब आपकी जॉब छूट रही है, ठीक है, ऐसे चांसेस भी हो सकते हैं। तो डिवाइन आपको यहाँ पर ना यही बोल रहे हैं कि इस सिचुएशन को ना आपको पॉजिटिवली लेना है। अभी ये सिचुएशन कुछ भी बन सकती है, मे बी कोई आपकी बैक स्टैबिंग करे, क्योंकि डिसीट की भी एनर्जीज है, कोई छल कपट भी कर सकता है, कोई चीटिंग की एनर्जीज भी यहाँ पर नज़र आ रही है, यस, क्योंकि यहाँ पर ब्रोकन हार्ट की भी एनर्जीज है एंड ओ माई गॉड स्टॉर्म वार्निंग की भी एनर्जीज है। तो यस, ये जो एनर्जीज है ना आपके करियर वाइज, ये अच्छी तो नहीं है, लेकिन आपको ये अच्छी नहीं लग सकती, लेकिन डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं उसके पॉजिटिव सेंस में जाइए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको न्यू बिगनिंग करनी है। यहाँ पर जो आपके माइंडसेट में चल रहा है ना, उसे पूरा करने के लिए आपको एक मौका दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको कोशिश ये करनी है कि ये जो सिचुएशन हो चुकी, जो ये जो भी सिचुएशन है, उसको फिनिश करके, उसमें बैठ करके आपको अपने आप को नेगेटिव नहीं करना है, आपको अपने आप को लोअर वाइब्रेशंस में नहीं लेकर के जाना, अपने आपको अपने कॉन्फिडेंस को लो नहीं करना है, बल्कि इसे एक मौका समझ करके आपको आगे बढ़ना है, जो भी आप अपनी लाइफ में बेसिकली करना चाह रहे हो, लेकिन विद द पेशेंस एंड प्लानिंग, ओके, पेशेंस और प्लानिंग के साथ आगे बढ़िए। आपको यहाँ पर डिवाइन यही बोल रहे हैं, इसमें पेशेंस एंड प्लानिंग चाहिए होगी, ठीक है, यहाँ पर बेसिकली आपको यही मौका दिया जा रहा है। हेल्थ की अगर बात करें, फोर ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, और स्पिरिचुअलिटी में भी यहाँ पर आपके लिए फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। माय डियर, मुझे ना यहाँ पर अगेन मैं यहाँ पर बोलूँगी कि कुछ हेल्थ को लेकर के ना कुछ चीज़ें आप खुद से गड़बड़ कर रहे हो। आपको पता है आपके लिए हेल्थ में सही क्या है, गलत क्या है, राइट, लेकिन खुद से अपनी हेल्थ को लेकर के जोखिम उठाना, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डायबिटीज़ है, आपको पता है कि आपको मीठा नहीं खाना है, लेकिन आप छुप छुप कर मीठा खा रहे हो, ठीक है, छुप छुप कर आप अनहेल्दी चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि आपको वो चीज़ें सूट नहीं कर रही हैं, तो उस सिचुएशन को, उस चीज़ को चेंज करने की बेसिकली यहाँ पर आपको ज़रूरत है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। एंड फोर ऑफ सोर्स, ये जो आपकी स्पिरिचुअलिटी में आया है, ये ना आपको डिमांड कर रहा है इस वक्त में, मे बी आप लोग बहुत ज़्यादा इस समय किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं, या फिर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, या फिर आपको लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म सी हो रही हैं, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा कि मैं किधर जा रहा हूँ, किधर नहीं जा रहा हूँ स्पिरिचुअलिटी में, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये वक्त है थोड़ा ब्रेक लेने का, ये वक्त है अपने आप से समय बिताने का, ये वक्त है मतलब रीजनरेट होने का, ठीक है, बेसिकली रेस्ट कीजिए, रीजनरेट हुइए, अपने आप को वक्त दीजिए, अपने आप को फिर से एक तरोताज़ा फील कराइए, लेकिन उसके लिए आपका मेडिटेट करना, थोड़ी देर आराम करना, ये बड़ा ज़रूरी है, अपने साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप अपनी लाइफ में बेसिकली कुछ भी आप अपनी लाइफ में करने जा रहे हो, ठीक है, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं, कुछ एक नया स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई थॉट्स है आपके अंदर, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको ना यहाँ पर प्लानिंग के साथ, पेशेंस एंड प्लानिंग लगेगी यहाँ पर, उसके साथ आपको आगे बढ़ना है, आपको तुरंत में कोई डिसीज़न नहीं लेना है, वक्त लीजिए, सबसे पहले अपने आप पर फोकस कीजिए, ठीक है, मेडिटेट कीजिए, कंटम्प्लेट कीजिए, अच्छे से पूरी नींद लीजिए, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ ठीक हो पाए, आपकी फिज़िकल हेल्थ ठीक हो पाए, आप
स्पिरिचुअली भी आगे बढ़ पाएं। अगर आप अंदर से बैलेंस होंगे तो आप अपनी लाइफ में बैलेंस डिसीजन बना पाओगे। यहाँ पर बेसिकली जो मुझे दिखाई दे रहा है ना माय डियर, आपके साथ ना ये 15 दिन आपके रिश्तों का साथ पूरा है, आपके आपके जो लव्ड वंस हैं, आपके जो स्पाउस हैं, आपके जो रिश्ते हैं, वो आपको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। इवन अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक्ड भी हो, किसी लोअर वाइब्रेशंस में भी हो, तो भी वो आपको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपकी फैमिली, आपके रिलेशंस आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इस सिचुएशन से बाहर आप तभी निकल सकते हैं जब आप खुद के अंदर वो ट्रस्ट जगा पाएँ, खुद के अंदर उस वाइब्रेशंस को लेकर के आ पाएँ। क्योंकि यहाँ पर ना एम्प्रेस की भी एनर्जीज़ है, एम्प्रेस की एनर्जीज़ यही बता रही है कि आपके लिए आगे बहुत अबंडेंस है, आपके लिए आगे बहुत सक्सेस है, आपके लिए आगे बहुत चीज़ें ओपन हो रही हैं, बहुत ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर रहे हो बेसिकली। लेकिन उसके लिए आपका इस वक्त में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है माय डियर। टू ऑफ कप्स की एनर्जीज भी यहाँ पर बैलेंस की ही बात कर रही है, और कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक की बात कर रही है। ओके, तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि प्लीज़ पहले तो अपने अंदर देखना है आपको कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है सेजिटेरियस, आप कहाँ पर स्टक्ड हो, क्या आपकी मेंटल हेल्थ ठीक है, क्या आपकी इमोशनल हेल्थ ठीक है, क्या आप फिज़िकली फिट फील कर रहे हो, तभी आप अपनी लाइफ में कोई डिसीजंस बना सकते हो। ओके, यहाँ पर बैक स्टैबिंग की ना बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, डिसीट की भी एनर्जीज आई थी यहाँ पर। अगर आप देखेंगे ये दोनों ही कार्ड्स, जैसे कि कोई पर्सन ना पीछे से छुप छुप करके कोई वार कर रहा है। ओके, मैं एक कार्ड ना आपके लिए इस चीज़ के लिए निकालना चाहती हूँ। थैंक यू भोले बाबा प्लीज। टेन ऑफ सोर्ड्स अगेन, सॉरी टेन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखिए मैं एग्जैक्टली मैं आपको वही बोल रही थी, हाई प्रिस्टेस और सेवन ऑफ कप्स, येस, और नाइट ऑफ सोर्ड्स, येस। देखिए ये जो भी सिचुएशन हो रही है ना, ये जो भी इवन कोई पर्सन भी अगर की वजह से अगर आपकी लाइफ में ये कुछ सिचुएशंस एंड हो रही है, कोई आपको चीट कर रहा है, या फिर ये कोई भी चीज़ है, बेसिकली ये आपकी लाइफ में ये जो भी अननेसेसरी बर्डन्स है, या फिर जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में डिज़र्व नहीं करते बेसिकली, जो इल्यूजन्स में आप अभी बैठे हुए हो, उनसे बाहर निकालने के लिए ये सिचुएशंस हो रही हैं आपकी लाइफ में। बेसिकली इसे हम कहते हैं कर्मा रिलीज़ करना। और यहाँ पे टेन ऑफ कप्स की एनर्जीज पता है क्या बोल रही है, कि आपकी लाइफ में ये इन 15 दिनों में वो खूबसूरत रिश्ते भी आपके साथ हैं जो आपके अपने हैं। तो अपने आप को ना इतना नेगेटिव मत करो, क्योंकि मैं आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हुई यहाँ पर देख रही हूँ, वो सपोर्ट भी आते हुए यहाँ पर देख रही हूँ। लेकिन उसके लिए आपका सही वाइब्स में होना, सही एनर्जीज में होना बहुत ज़रूरी है इन 15 दिनों में सेजिटेरियस। यस, बैलेंस कीजिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। मुझे बहुत गॉसिपिंग लग रही है कि आपके पीठ पीछे जैसे कि कुछ लोग बहुत ना गॉसिप कर रहे हैं, बहुत बातें कर रहे हैं। यस, कुछ ऐसी एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर मिल रही है। मैं एक और थोड़े से मैसेजेस लेना चाहती हूँ सेजिटेरियस के लिए। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू जी, प्लीज़ गाइड कीजिए। यस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, ओके, ब्यूटिफुल माई डियर, ब्यूटिफुल एनर्जी। आपको तो अच्छा नहीं लग रहा होगा ना ये डेविल का कार्ड। देखिए ये कार्ड क्या बता रहा है, आप लोग है ना बॉटम ऑफ द डेक देख रहे हैं मून, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड ये आपका ब्लॉकेज है। ओके, ये जो 15 दिन है ना सेजिटेरियस, अपने पर फोकस करें, अपना ध्यान रखें, आपको क्या चीज़ें पसंद हैं, ट्रुथ के साथ जाना बेसिकली, जो मैं आपको शुरू से ही बोल रही थी। किसी लालच की मैं यहाँ पर बात नहीं कर रही हूँ, या फिर अपने आप को धोखा देने की बात नहीं कर रही हूँ। वाकई में आप क्या डिज़र्व करते हो माय डियर, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है।
इस समय, ठीक है, अपने लाइफ में सेल्फ लव लेकर आइए, अपने अपने आपको अच्छे वर्ड्स बोलना, ठीक है, आपकी सेल्फ टॉक कैसी है, आप अपने आप को किस तरीके से पेश आते हो अपने साथ, अपने आप को क्या, अपने आप से किस तरीके की आप बातें करते हो, ये बहुत अहम भूमिका निभाने वाली है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके थॉट्स, आपके टॉकिंग जो आपके खुद के साथ सेल्फ के साथ होगी, वही आपको मोटिवेट भी करेगी और वही आपको डीमोटिवेट भी करेगी। तो ये अब आप पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है। आपको अपने अंदर की ये दोनों ही कार्ड से ही बता रहे हैं, बेसिकली डेविल कार्ड जो है ना, ये आपकी स्ट्रेंथ है कि आपके पास वो पावर है कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। अब इसमें क्या है कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग बनते हो इस वक्त में, दैट इज़ वाई आपके लिए फोर ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा आई थी कि रेस्ट लो, मेडिटेट करो, कंटेम्पलेट करो, बैलेंस करो अपने आप को इन 15 दिनों में, ताकि अपने अंदर उस स्ट्रेंथ को, उस पावर को लेकर के आ पाओ, ठीक है। क्योंकि यहाँ आपकी पावर, यहाँ आपकी खुद का माइंडसेट, यहाँ आपके खुद के थॉट्स आपके लिए, खुद के लिए, स्वयं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखेंगे। With the devil and the queen of wands, अपने जो भी मैं कहूँगी आपके पास ना, ये 15 दिन में सेजिटेरियस वो पावर है कि आप खुद की जो नकारात्मकता है, खुद की जो शेडोज है, उसको ओवरकम करके बाहर आ पाएं। यहाँ पर आपको सपोर्ट भी मिलेगा डिवाइन का। अपनी विजडम से कनेक्ट होइए, अपनी अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होइए, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। ओके, यस, ये वो चीज़ है इस इन 15 दिन में, वो चीज़ उठ रही है आपकी जिस पर आपको काम करने की ज़रूरत है बेसिकली। थैंक यू भोले बाबा। और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आप सेजिटेरियस को इन 15 दिनों के लिए? चेंज योर फोकस, डेफिनेटली 5 of cups की एनर्जीज, ट्रस्ट, वाओ, लास्ट कार्ड, सैडनेस एंड आइसोलेशन, यस। ये जो भी चीज़ें, देखिए ये आपको यही बोला जा रहा है कि मैंने एग्जैक्टली आपको यही बोला ना कि ये जो चीज़ें आपको लो कर रही हैं, लोअर वाइब्रेशंस में लेकर जा रही हैं, सैडनेस में लेकर जा रही हैं, उससे आपको बाहर निकलना है अपने आप को। ये जो ये एक हेल्दी आइसोलेशन की मैं बात कर रही हूँ कि अपने आप से पहले कनेक्ट हुएं, ठीक है, अपने आप को आइसोलेट करें, अपने आप के साथ कनेक्ट हों, अपनी इनर विजडम से कनेक्ट हों, अपनी लाइट से कनेक्ट हों, तभी आपका जो फोकस है वो शिफ्ट हो पाएगा 5 of cups से। 5 of cups में भी अगर हम देखेंगे ना, ये 5 of cups ही है आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ये देख रहे हैं आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो एंजल्स हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं, आपका फोकस शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। आपकी जो इनर विजडम है ना, वही आपको इस सिचुएशन से मूव करने में मदद करेगी, लेकिन उसके लिए आपका डिवाइन पर ट्रस्ट करना, सबसे ज़्यादा अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना, अपने दिल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और मैं कहूँगी कि ये जो भी एक अननोन जर्नी पर आप आगे बढ़ना चाहते हो, जो भी एक स्टार्ट करना चाहते हो, जिस भी एक चेंज को अपनी लाइफ में लाना चाहते हो ना माय डियर, उस पर आगे बढ़ने के लिए आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपका अपने हार्ट को फॉलो करना, एक इनोसेंस की एनर्जीज में आना, एक बच्चे की एनर्जीज में आना, लाइट एनर्जीज में आना, यहाँ पर आप हैवी एनर्जीज के साथ, टेंशंस के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं ये 15 दिन इस पर काम करने का है माय डियर, एक न्यू स्टार्ट करने का है। आप बिल्कुल सही एनर्जीज में हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस चेंज को, चेंज से बच भी रहे हो, लाना भी चाहते हो, ये जो भी है, ये जो भी आउट ऑफ द बॉक्स कुछ कर रहे हो आप, मे बी कुछ ये चीज़ है आपके कम्फर्ट जोन से बाहर की चीज़ है, या फिर कम्फर्ट जोन से बाहर की चीज़ होने का मतलब कि जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सोचा था, या जो चीज़ आपको थोड़ा अनकम्फर्टेबल कर देती है। अब ये कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आने के बारे में सोच रहे हैं आप, या फिर किसी टॉक्सिक जॉब से आप बाहर आना चाह रहे हैं, अपने जॉब को चेंज करना चाह रहे हैं, अपने करियर को चेंज करना चाह रहे हैं, ये ओवरऑल ये कोई भी चीज़ हो सकती है।
ओके तो ट्रस्ट कीजिए अपनी अपने इंट्यूशन पावर्स पर, अपने हार्ट को फॉलो करें, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपका खुद का डिवाइन से कनेक्ट होना, उस हायर एनर्जी से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस फोकस को अपने चेंज कर पाएंगे, तभी आप अपनी लाइफ में वो एक शिफ्ट लेकर के आ पाएंगे, और इसी के साथ आपकी लाइफ में वो एक ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा, और वो सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। वो ग्रोथ है आपके लिए बहुत, लेकिन उसके लिए आपका एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न बनाना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए डिवाइन की सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है आपको, मतलब बस आपको उनसे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। अभी इस समय अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये डिवाइन ही हैं जो आपको सपोर्ट दे रहे हैं। अगर आप इसको समझ पा रहे हैं, इससे कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो यहाँ से आपको वही सपोर्ट ही मिल रहा है, राइट। तो अब उसको किस तरीके से आपको यूज़ करना है वो आपको देखना है, और यूज़ कैसे करना है या नहीं वो भी आपको देखना है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस जो था वो रिवर्स आया था माय डियर। तो जैसा कर्म करने वाले हैं आप लोग, वैसे ही रिजल्ट आपकी लाइफ में आएंगे, ओके। ये उन लोगों के लिए मैसेज था जो पूछते हैं कि रीडिंग में ऐसा आया, लाइफ में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आपने वर्क नहीं किया, क्योंकि आपने गाइडेंस को फॉलो नहीं किया, ठीक है। आपको लगा कि बैठे बैठे चीज़ें चेंज हो जाएंगी खुद ब खुद, नहीं। ये जो टूल है ना, ये बेसिकली आपको गाइड करने के लिए ही है कि आप क्या करें कि आपकी लाइफ में वो ब्यूटीफुल चेंज आ पाए, सही डायरेक्शन पे आप आगे बढ़ पाएँ, सही पाथ को चूज़ कर पाएँ, ओके। तो यस माय डियर सेजिटेरियंस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो। मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा कि उन्होंने आपको यहाँ से गाइडेंस दिया है, और अपनों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि अगर वो किसी ऐसे सिचुएशन में स्टक हैं तो उनको भी यहाँ से गाइडेंस मिल पाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।